दोस्तों, इस पहले मैं बता चुका हूँ कि काशी में जो कॉरिडोर बना है उसकी डिज़ाइन कूफा की मस्जिद से मैच होती है। तो फिर कश्मीरी फाइल को किस से लेना है? अपन ने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, मगर इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी हम कहते हैं कि तुर्क हमला, मगर हम ये नहीं जानते हैं कि तुर्क के साथ सिरकासियंस आए। अब ये हिस्ट्री के ऐसे छोटे छोटे पहलू हैं जिसको समझे बगैर हम कश्मीर फाइल्स कुछ नहीं समझ सकते। मैं फिर से कहता हूँ, हैरात संस्कृत शब्द नहीं है, निव्वे संस्कृत शब्द नहीं है, पंडित ये संस्कृत शब्द नहीं है। इसलिए ये काफ़ी कूफा और कॉरिडोर दोनों की डिज़ाइन एक देखने के बाद तो फिर मामला क्या है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सिरकासियन हिस्ट्री को आपको देखना पड़ेगा। ये हिस्ट्री शुरू होता है, ऐसे बहुत पुराना है, नाइजीरिया से शुरू होता है, साउथ अफ्रीका तक पहुंचता है, घाना तक आता है, फिर एशिया के अंदर एंटर होता है, तब वो हट्टी पीपल कहे जाते हैं, HATTI, हट्टी पीपल। अब ये आज के जो यमन है वो हाथी जो रिबेल ये ज़ैदी है, और ज़ैदी शासक का नाम जापान में है, और यमाटो डायनास्टी भी थी, तो ये यमन से रिश्ता रखते हैं। और ये ज़ैदी जिसने ये कूफा की मस्जिद बनाई उनकी बात कर रहा है। तो ये हट्टी से शुरू होगा, हाउथी यमन के अंदर आज भी हमलाखोर है, और इसको हुट्टियन कहते हैं, ट्राइब्स ऑफ हुट जो यमन में है। और फिर हटुक्वा, जहाँ से सिरकासियंस तुर्क के साथ आए, वहाँ उनका एक किंगडम था, HATTGWAY, हटुक्वा ऑफ सिरकासियन किंगडम। तुर्की के अंदर उनको हटुक्य कहते हैं, HOTUKAY। तो घाना के अंदर, जॉर्जिया के अंदर उनको हटकोट कहते हैं। तो ये हट्टी पीपल को हिस्ट्री आप देखोगे जिसके अंदर से सिरकासियंस लोग पैदा हुए। और ये सिरकासियंस के बारे में पढ़े तो मैंने आपको बताता हूँ कि जो कोशिश स्तूप जापानी इंपीरियल हाउस है सिरकासियंस के अंदर छुपा, साउथ अफ्रीका के अंदर जो नेल्सन मंडेला की ट्राइब है ज़ासा, इसको भी लोकल कौसा कहते हैं, KAUKOUS। रशिया के अंदर उसको कशक कहते हैं, रोमन के अंदर उसको कासोव कहते हैं, अरब के अंदर उसको KASHA की कशाक कहते हैं। जहाँ से ये लोग आए, जहाँ से सिरकासियन आए, वहाँ उनको चेरकेस कहते हैं, CHERKES, जिसके लिए यहाँ चरखा चला, चरखा चला, ये चेर के से। तो अब साउथ अफ्रीका के अंदर किंग का नाम जुलू किंग, ज़ैदी के साथ लिया देना है, जुलू किंग का नाम है CETSHWAYO, कशर कोशिश से जापान है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये जुलू किंग है। यही लोग ज़ैदी ये विरासत को याद रख रहे हैं, और ये उनकी ओरिजिनल जो विरासत है वो घाना की गोल्डन स्टूल की क्वा जुलू का है, क्वा पीपल घाला में। वो पूरा जो डोला का जो समूह है, गोंजा का समूह है, इनको मंडेला कहते हैं, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में। तो घाने का इतिहास है जो जिसे बोलते हैं गोल्डन स्टूल हिस्ट्री, वहाँ ये सीधा इनका कनेक्शन मिलता है। गोल्डन स्टूल का स्टूल मतलब घाना के अंदर बोला जाता है द्वा, DWA, जिसका मतलब स्कूल है। और दौले पीपल वही थे जिन्होंने गोंजा एम्पायर घाना भी बनाया, और सिराजुद्दीन दौला यहाँ आया। जब तक हम, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, इन्होंने अयोध्या के ऊपर से सिराजुद्दीन दौला और मीर कासिम को क्यों हटाया ये नहीं समझेंगे, तब तक ये तुर्क और सिरकासिम का इतिहास नहीं समझ सकते। मेरी स्क्रीन पर सब एविडेंसेस मौजूद है, आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।